हैप्पी वन, मैं महन पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सी आई टेली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की मेरी ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जो हम लेन देन करते हैं, जो हम लोन लेते हैं किसी बैंक से, किसी संस्था से या किसी पार्टी से, किसी पार्टी से लोन लेते हैं या उसे लोन हम दे भी देते हैं, तो वो एंट्री जैसे अभी आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, जो हम किसी पार्टी को माल बेचते हैं या किसी पार्टी से माल खरीदते हैं तो उस पर जो ब्याज चार्ज होता है, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, उसे हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में करके आपको टू पार्ट में वीडियो बना करके मैंने आप लोगों को दे दिया है, जो आप लोगों ने देखा है और उस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी मिले हैं। तो जिसने भी नहीं देखा है वीडियो अभी, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जा करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से उसको देख लें। तो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड जो पार्टी पर हम लगाते हैं वो आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास लेते हैं और लोन देते हैं, हम ना कुछ बेच रहे हैं ना कुछ खरीद रहे हैं। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो उस पर ब्याज चार्ज कैसे होता है और उस ब्याज को हम कहाँ एडजस्ट करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम सब कुछ बताएंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें तथा मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को अटेंड कर पाएँ। वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है तो आप कमेंट जरूर करें, वीडियो के बारे में कमेंट करके आप बताएं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम सेटिंग पे चले जाते हैं, F11 करते हैं और अकाउंटिंग फीचर्स पर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं नीचे आते हैं आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमने यस करके रखा है, यूज़ एडवांस पैरामीटर्स भी यस करके रखा है। यही दो सेटिंग आपको मेंटेन करनी है। कंट्रोल लेकर के हम बाहर आ जाते हैं, बैक करके आ जाते हैं। हमें एक लेज़र क्रिएट करना होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो उस पर हम टैक्स कैसे डिडक्ट कराते हैं, जो मेरा जो ब्याज चार्ज होता है वो हम कैसे करते हैं, चूँकि थोड़ी सी सेटिंग जो है वो चेंज है पहले की अपेक्षा जो हम पार्टी लेज़र पर बनाते थे। इंटर करते हैं। हमने यहाँ लेज़र बना रखा होगा, हम आपको उसको मॉडिफाई करके दिखाएंगे। जैसे HDFC बैंक मैंने बना रखा है, HDFC बैंक पे जाएंगे। क्योंकि बैंक से जब हम कोई लोन लेते हैं जहाँ कुछ संपत्ति गिरवी रखी जाती है तो बैंक जो है वो सिक्योर्ड लोन देता है। लोन लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत दो ग्रुप हैं, एक आपका सिक्योर्ड लोन और एक अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन जैसे हम किसी पार्टी से लोन लेते हैं या देते हैं तो वो अनसिक्योर्ड में जाता है, बट कोई बैंक है, कोई संस्था है जो बिन संपत्ति गिरवी रख के लोन देता है उसे हम सिक्योर्ड लोन में रखते हैं। तो यहाँ हम एंटर करते हैं, एंटर करके चले जाते हैं, यस करते हैं। ये सेटिंग जरूरी है, इसमें आप देख पा रहे हैं पहले की सेटिंग से ये भिन्न है, जो पहले हम सेटिंग करते थे इंटरेस्ट पैरामीटर्स का उससे चेंज है ये। हम केवल अमाउंट्स को एडिट करना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये दोनों ऑप्शन को यस करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने सेट करा 14% मैंने रख दिया, ये आपका पर एनम के हिसाब से। ऑल बैलेंसेस हम यहाँ रखते हैं, चूँकि हम लोन लेते हैं और देते, जैसे हम किसी पार्टी को से लोन ले रहे हैं और उसे वो लोन दे रहे हैं तो हम ऑल बैलेंसेस में करते हैं। तो ये ऐसे लोन जहाँ हम केवल लोन प्राप्त करते हैं उसके बदले में हम कुछ खरीदते बेचते नहीं हैं, तो वो हम ऑल बैलेंसेस में रखते हैं। यहाँ चलते हैं एप्लीकेबल। तो जो ये एप्लीकेबिलिटी है, जो पीरियड है लोन का, वो हम क्या रख रहे हैं वो हम यहाँ दे देते हैं। तो हम 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा 1 ईयर का फाइनेंशियल ईयर दे दे रहे हैं। अगर हम इसमें आधा आधा, मतलब कहने का ये है 6 मंथ का रखना चाहें तो यहाँ ऊपर डिटेल हम 6 मंथ का डाल सकते हैं, 1 अप्रैल से। जैसे ये हम तब करते हैं जब हमारा रेट चेंज होता है, जैसे 6 महीने के बाद अलग रेट लग रहा है तो यहाँ पर हम 6 महीने तक का पीरियड देंगे। और एंटर करके यहाँ आ जाएंगे नीचे, यहाँ हम अगले 6 महीने का पीरियड दे देंगे जो मेरा रेट कम होकर के आएगा, बट ऐसा कुछ हमें करना नहीं है। तो हम यहाँ से इसको सेटिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट चलते हैं, हम आपको बैंक का करके दिखाते हैं, बैंक से हम कैसे लोन प्राप्त करते हैं। चूँकि लोन हमें प्राप्त करना है तो हम रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे, रिसीव करना है लोन हमें, प्राप्त करना है, कैश संपत्ति व्यापार में आएगी तो हम रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे। रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट होता है F6। यहाँ हम चलते हैं HDFC बैंक, चूँकि बैंक हमें दे रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। मान लीजिए हमने 3 लाख रुपए बैंक से लोन लिया, 3 लैक्स हो गया, लोन के रूप में व्यापार में आएगा क्या, कैश आएगा, कैश आ जाएगा व्यापार में। हम यहाँ लिख सकते हैं लोन रिसीव्ड, यहाँ
रिसीव्ड बाय बैंक, बैंक भी लिख सकते हैं। लोन रिसीव्ड करके एंटर कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, होम बैक करके आते हैं। इसकी रिपोर्ट आपको देखनी है, चूंकि हमने पेमेंट रिसिप्ट कर लिया, मान लीजिए एक महीने बाद हमें पेमेंट करना है बैंक को या उसका ब्याज हमें भरना है। डिस्प्ले में देखते हैं कि कितना ब्याज हो गया है, कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के आ गया है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाएंगे हम, यहाँ से भी इंटरेस्ट पेबल भी चेक कर सकते हैं। लोन्स लाइबिलिटीज़ में जा करके सिक्योर्ड लोन में आपका दिखा रहा है, बट ये पीरियड इसमें हम सेट कर लेते हैं। यहाँ से 1/4, 1/5 तक, मतलब 1 मई तक का हम पीरियड सेट करके देख लेते हैं। 1 मई को 3567 रुपये आपका ब्याज बन जाएगा 3 लाख रुपये पर, जो आपको पे कर देना होगा। अगर वही चीज़ हम लेज़र वाइज देखना चाहें तो हम लेज़र में जा कर के इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ हम देखें, यहाँ भी हमें पीरियड सेट करना होगा, क्योंकि पीरियड मस्ट है। जब आपका जितने दिन के लिए, जितने मंथ का आपको बिल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो आपको यहाँ पर देना होगा। पीरियड सेट करा, यहाँ भी देखिए आपको दिखा रहा है 3 लाख रुपये बैलेंस है। 1 अप्रैल को ये लिया गया है, 1 मई तक का जो ब्याज है 31 दिन का 14% के रेट से पर एनम की दर से 3567 रुपये 12 पैसे ये आपको पेमेंट करना है। अगर हमें केवल ब्याज ही भरना है तो 3567 रुपये हम ब्याज को भरेंगे, अन्यथा अगर हम इसके साथ कंप्लीट पेमेंट करना चाहते हैं इनको, तो हम कंप्लीट पेमेंट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी हम इसको छोड़ दे रहे हैं, ये बैंक का हो गया, इसको भी पेमेंट करके आपको दिखाएंगे। किसी पार्टी से हम लोन लेते हैं और कभी आवश्यकता पड़ने पर उसे लोन देते भी हैं, तो वो हम कैसे करते हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बैक करके जाते हैं अकाउंट्स इन्फो पर। बैक करके हम अकाउंट्स इन्फो पर आ जाएंगे, हमें एक लेज़र क्रिएट करना होगा। एक लेजर मैं बना के रखा हूँ इसमें पहले से, उसको मॉडिफाई करके दिखा दूँ आपको। जैसे बैंक की सेटिंग में अभी मैंने किया है, वैसे मैंने यहाँ पर एक लेज़र बना रखा है आरके ट्रेडर्स। क्योंकि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों टाइप का लोन हमें आपको बताना है, इसलिए मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई पार्टी है जिससे हम लोन लेते हैं, और लोन इनका ऐसी मेरी सेटिंग है इनसे कि हम इनसे लोन लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें लोन देते भी हैं, जहाँ हमें कुछ भी संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती, तो उसे हम अंडर में अनसिक्योर्ड लोन डाल देते हैं जो लोन लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत आता है। एंटर करके आते हैं, यस करते हैं। यहाँ पर वही सेम सेटिंग जो मैंने अभी किया था, या इनका इंटरेस्ट रेट 10% है, पर एनम की दर से है, ऑल बैलेंसेस हो जाएगा। पीरियड हमने 1 ईयर पूरा फाइनेंशियल ईयर लिया है, एक्सेप्ट करते हुए हम बाहर आ जाते हैं। अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड इंट्रीज को कर लेते हैं। मान लीजिए इनसे हमने लोन लिया अकाउंटिंग वाउचर में रिसिप्ट, चूंकि हम लोन प्राप्त कर रहे हैं, कैश आएगा व्यापार में तो रिसिप्ट ही करना है हमें। क्रेडिट में हो जाएगा आरके ट्रेडर्स, आरके ट्रेडर्स पे जाकर के मान लीजिए हमने इनसे 2 लाख रुपए लोन ले लिया, 2 लाख रुपए लोन हमने प्राप्त करा इनसे, कैश करेंगे। यहाँ भी हम लिख सकते हैं लोन रिसिप्ट बाई आरके ट्रेडर्स भी लिख सकते हैं, बट मान लीजिए हमने इनसे लोन ले लिया 1 अप्रैल को। हम चलते हैं इनको, हम 1 मई को हम इनको पेमेंट कर देते हैं। कुछ पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट होता है F5, हम यहाँ पर डेट चेंज करेंगे 1/5। मान लीजिए 1 मई को हमने इनको कुछ पेमेंट किया, यहाँ पर हम पाने वाले कौन हो जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर आरके ट्रेडर्स। आरके ट्रेडर्स का 2 लाख हमने लोन लिया था, मान लीजिए इसमें से हमने 1 लाख इनको पे कर दिया, 1 लाख रुपए इनको मैंने पे कर दिया। हम इसमें नरेशन देना चाहें तो लोन अमाउंट, लोन 1 लाख रुपए लोन अमाउंट पेड लिख सकते हैं, एक्सेप्ट करके आ जाएंगे। मान लीजिए इन्हें पैसे की ज़रूरत आ गई, तो हमने इनको 3 लाख रुपए पेमेंट कर दिया, या 4 लाख रुपए पेमेंट मान लीजिए हमने इनको और कर दिया, जबकि इनका 1 लाख रुपए मेरे पास अभी लोन है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इस पार्टी से हम लोन लेते भी हैं और लोन देते भी हैं। तो इनको हमने, हम मान लेते हैं, चूँकि हमें दोनों तरीके से आपको दिखाना है कि कैसे लोन हम, अगर हमारा, मैं इनसे लोन ले रहा हूँ तो उस पर इंटरेस्ट मुझे कैसे देना, उसको कैसे कैलकुलेट होता है, और अगर हम इनको लोन देते हैं तो उसमें कैसे डिडक्ट करता है, ये सारा कुछ हमें आपको बताना है।
तो हम क्या करते हैं, इन्हें हम फिर से लोन दे देते हैं, पेमेंट करते हैं। मान लीजिए इनको हमने 4 लाख रुपए दे दिया, 1 लाख इनका मेरे पास पहले से था और 4 लाख दिया, तो 3 लाख इनके पास मेरा लोन गया, इनको मैंने उधार लोन दे दिया और 1 लाख मेरा उसमें डिडक्ट कर गया, लोन एंटर करके आ जाएंगे। 1 मई को ही मैंने इनको दिया। इसके बाद हम चलते हैं, फिर हम थोड़ा सा रिसिप्ट कर लेते हैं। मान लीजिए 1 जून को, मान लीजिए 1 जून को आरके ट्रेडर्स ने हमें हमारा अमाउंट दिया प्लस हमें और भी लोन प्रोवाइड करा। हम यहाँ कर लेते हैं 1 जून, एंटर करते हैं। मान लीजिए 1 जून को हमने 5 लाख रुपए लोन ले लिया, किससे, आरके ट्रेडर से। यहाँ हमने लिखा 2 लाख ट्रेडर्स से लिख दिया हमने। अब हम चलते हैं, चेक करते हैं नरेश डिस्प्ले में जा करके, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हम चेक करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर हम जाएंगे, एंटर करेंगे, इसमें लेजर्स पर जाएंगे और आरके ट्रेडर्स पर हम जाएंगे। और यहाँ से हमने पीरियड सेट करा 1 अप्रैल से 1 जुलाई कर लेते हैं। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का जो ब्याज है 30 डेज का, जो 2 लाख रुपए हमने आरके ट्रेडर से लिया था उस पर ब्याज है आपका 10% की दर से 1634। फिर हमने इनको 1 लाख पेमेंट किया, 1 लाख पेमेंट कर दिया 1 मई को, लेकिन 1 मई को ही हमने 4 लाख भी पेमेंट करा अलग से, 5 लाख रुपए किया, तो वो 2 लाख कट करके 3 लाख जो मैंने इनको दिया उस पर 31 दिन का ब्याज 2547 रुपए हुआ। फिर 1 जून को इन्होंने हमें 5 लाख रुपए लोन दिया, जिसमें से मेरा 3 लाख रुपए वो कट गया और 2 लाख रुपए इनका मेरे पास ऐड हो गया, तो वो 1698 रुपए इस 31 दिन का ब्याज बना। तो ये और ये इस अमाउंट से, इन दोनों अमाउंट से इस अमाउंट को हम घटा देंगे तो जो बचेगा 794 रुपए 52 पैसे, ये हमें इस 2 लाख के साथ आरके ट्रेडर्स को पेड करना होगा। आपने देखा, एडजस्ट करते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, एक जैसे हम जब किसी से माल खरीदते थे और किसी से माल बेचते थे और उस पर ब्याज को चार्ज किया जाता था, तो जब हम माल खरीदते थे ब्याज चार्ज करना होता था तो उसमें हम क्रेडिट नोट वाउचर में उसको जा करके वाउचर क्लास के अंतर्गत उसे हम एडजस्ट कराते थे। और जब हम किसी कस्टमर को माल बेचते थे और उस पर हमें इंटरेस्ट प्राप्त करना होता था तो हम डेबिट नोट वाउचर में वाउचर क्लास क्रिएट करके उसमें जा करके उसको एडजस्ट कराते थे। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो हम, चूंकि हमने ना कोई माल खरीदा है और ना हमने माल बेचा है, हमने केवल लोन दिया है और लोन लिया है, तो इसका एडजस्टमेंट हम कहाँ करेंगे, जर्नल वाउचर। तो चलिए चलते हैं हम जर्नल वाउचर में इसको एडजस्ट कराते हैं। जर्नल वाउचर में इसको एडजस्ट कराते हैं। जर्नल वाउचर में हम आ गए हैं, चूंकि हम लोन इंटरेस्ट किस पर, लोन पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो हमें एक लेजर बनाना होगा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हम यहाँ से अल्ट सी करके बना सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, एंटर करेंगे। चूंकि हमें ब्याज देना है तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, खर्चा है, तो उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम डाल देते हैं और हम कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेते हैं। हमारा जो ब्याज बन रहा है वो 3567 रुपए 29 पैसे, जैसा अभी मैंने देखा बैंक का जो HDFC बैंक को हमें ब्याज देना है वो 3567 रुपए 29 पैसे हमें देना है। तो यहाँ से जा करके HDFC करते हैं, तो HDFC आप देख पा रहे हैं 3 लाख ऐड हो गया करेंट बैलेंस में,
3,03,567.29, यही अमाउंट हमें HDFC को पे करना है। इसे हमने ऐड कर लिया, एडजस्ट कर लिया। ऐसे ही हम RK ट्रेडर्स के साथ एडजस्ट करेंगे, 794.52 रुपये जो था। यहाँ हम चलते हैं वही इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड करते हैं, इस पर हम चलते हैं 794.52 रुपये जो हमें RK ट्रेडर्स को देना है। यहाँ हम चुनते हैं RK ट्रेडर्स, एंटर करते हैं और एक्सेप्ट करा लेते हैं। आप देख पा रहे हैं RK ट्रेडर्स का अमाउंट था 2 लाख, उसमें 2,794.52 रुपये ऐड होकर के आ गया। अब यही पेमेंट हमें दोनों को कर देना है। हम क्या करते हैं, आपको पेमेंट करके भी दिखा देते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, पेमेंट वाउचर पे चले जाएंगे F5 प्रेस करके, और यहाँ से हम सबसे फर्स्ट बैंक को पेमेंट करेंगे। हम सिंगल मोड में भी कर सकते हैं और वैसे हम डबल मोड में भी कर सकते हैं। 3,03,567.29 रुपये ये अमाउंट है, एंटर करेंगे। CR में व्यापार से कैश जाएगा, कैश करके हम यहाँ लिख सकते हैं लोन पेड, लोन पेड या लोन गिवन टू HDFC बैंक, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हम RK ट्रेडर्स को भी अगर पेमेंट, फुल पेमेंट करना चाहते हैं व्याज के साथ, तो हम यहाँ पर चुनेंगे RK ट्रेडर्स, 2,794.52 रुपये हमने यहाँ दे दिया, एंटर करेंगे, कैश कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं RK ट्रेडर्स का बैलेंस 0 हो गया, और HDFC को भी मैंने दिया तो उसका भी बैलेंस 0 हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि हम कैसे लोन जो हम प्राप्त करते हैं किसी पार्टी से या बैंक से, तो उसे हम कैसे पेड करते हैं, उस पर हम लोन पर हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारा कुछ आपने देखा। तो आज की क्लास में मैंने लोन्स पर, पार्टी से जो हम लोन लेते हैं या बैंक से जो हम लोन लेते हैं या किसी संस्था से जो हम लोन प्राप्त करते हैं, उस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसको हम एडजस्ट कैसे करते हैं तथा उसका पेमेंट हम कैसे करते हैं, ये आपने कम्प्लीटली जाना। तो आज की क्लास के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।